इंडिया वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट बाइक हस्क्वर्ना वेट पिलियन 250। ये बाइक हर बाइक से थोड़ा सा हटके है। आज बताएंगे इस बाइक में स्पेशल फीचर्स क्या है, क्या इस बाइक की ऑनरोड प्राइस है और साथ ही साथ इस बाइक में एक्स्ट्रा क्या क्या एडवांटेजेस आपको ऑफर की जाती है। वेलकम टू लॉर्ड ऑफ रोड्स। लॉर्ड ऑफ रोड्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मेरे पास एक यूनिक बाइक है जो दूसरे बाइक से काफी हटके है, तो चलिए शुरू करते हैं इस बाइक की डिटेल्स, वर्क एंड रिव्यू, साथ ही साथ ड्यूक 250 के साथ इस बाइक में क्या क्या डिफरेंसेस है वो भी बताएंगे, प्राइस वाइज क्या क्या डिफरेंसेस है वो भी बताएंगे, और साथ में बताएंगे इस बाइक में स्पेशल क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर की जाती है। तो चलिए इस वीट पिलियन का एक डिटेल्स वर्क एंड रिव्यू आपको बता देते हैं। सबसे पहले बाइक को करते हैं यहाँ से ऑन, और ये जो लाइट सेटअप आप देख रहे हो ये एक्चुअली यहाँ पे कोई DRL ऑफर नहीं की जाती, यहाँ पे जो लो बीम है वही इस बाइक में जलता रहेगा दिन में भी। और फ्रंट से लुक कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे रेट्रो लुक वाला बड़ा सा एक लाइट सेटअप आपको ऑफर की जाती है। यहाँ पे हस्क्वर्ना का लोगो और लाइट काफ़ी ब्राइट है इस बाइक में, और फ्रंट से लुक कुछ इस तरीके का आता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है ये जो फ्रंट मडगार्ड, देखिए ये काफ़ी यूनिक है। यहाँ पे हस्क्वर्ना का लोगो और बाइक का सेटअप फ्रंट से कुछ इस तरीके का लगेगा। बाकी लेफ्ट साइड से आप बाइक देख सकते हो, यहाँ पे जो कलर है ये व्हाइट के साथ ब्लैक की कॉम्बिनेशन है, ये व्हाइट जो है फर्स्ट व्हाइट कलर यहाँ पे यूज़ की गई है। तो जो सीट है, सीट देखिए यहाँ से शुरू होता है, पूरा सिंगल फिनिश के साथ यहाँ तक है। पिलियन राइडर के लिए सीट काफ़ी वाइड है वैसे, हालांकि ये सीट जो है मॉडिफाई किया गया है। पहला वाला जो वीट पिलियन था इसमें सीट थोड़ा सा छोटा मिलता था, पर अभी इंडियन मतलब राइडर्स के लिए काफ़ी वाइड एक सीट यहाँ पे ऑफर की जाती है। यहाँ पे वीट पिलियन का लोगो और इसको पकड़ के जो पिलियन राइडर है बैठ सकते हैं। तो सीट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, शुरू में काफ़ी कंप्लेन था कि सीट छोटा है वीट पिलियन का, फिर उसके बाद सीट में काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन किया गया है, कम्फर्ट लेवल ज़्यादा किया गया है और लेंथ भी सीट का ज़्यादा कर दिया गया है। और पीछे ग्रैब रील देखिए, यहाँ पे स्प्लिट ग्रैब रील तो नहीं है, पर ये जो ग्रैब रील है सिंगल फिनिश के साथ ये काफ़ी प्रीमियम एक ग्रैब रील यहाँ पे ऑफर की जाती है। और लाइट सेटअप भाई साहब, यहाँ पे फुल LED लाइट सेटअप आपको ऑफर की जाती है। टेल लैम्प है, ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, ये देखिए काफ़ी यूनिक शेप में टेल लैम्प। और यहाँ से आपको एक बार हैजर्ड बटन को ऑन करते हैं और बताते हैं, जो लाइट्स देखिए काफ़ी अच्छा ब्लिंक कर रहा है, और फुल LED लाइट सेटअप के साथ ये बाइक आता है। हैंडल बार जो है काफ़ी वाइड है, और यहाँ पे मोड चेंज करने का बटन, हालांकि इसमें आपको रोड मोड एंड सुपर मोटो मोड ऑफर की जाती है। यहाँ पे स्लीपर क्लच SSP यहाँ पे देखने को मिलता है, और मीटर जो है यहाँ पे TFT डिस्प्ले मिलता है, पर ये कलर्ड नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट के साथ आता है। ऊपर देखिए यहाँ पे गियरशिप इंडिकेटर, यहाँ पे ABS साइन और साइड इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ से इस मीटर कंसोल से आपको देखने को मिलेगा। और राइट साइड में यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्विच, यहाँ पे इंजन किल स्विच का ऑप्शन, जो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी में आता है डेफिनेटली। 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक, यहाँ पे E2 का बैजिंग, और फ्यूल टैंक का शेप भी काफ़ी फ्लैट है। यहाँ पे वैसे टैंक बैग आप लगा नहीं पाओगे, क्योंकि टैंक बैग के लिए ये फ्यूल टैंक बहुत ज़्यादा वाइड है, पर सिटी राइड के लिए ये बाइक वन ऑफ द परफेक्ट मशीन हो जाती है। और यहाँ से बाइक को आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा, जो फ्यूल टैंक के साथ ही अटैच्ड है। और फ्रंट से आपको दिखा देते हैं, तो सबसे पहले बता देते हैं फ्रंट एंड रियर में आपको 17 इंच का ही अलॉय व्हील मिलता है, मतलब दोनों टायर का जो रेडियस है वो 17 इंच का है। फ्रंट में आपको 110/70 एंड रियर में आपको 150/60 mm का टायर ऑफर की जाती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ देखिए, जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो जैसे KTM का है सेम ब्रेकिंग सिस्टम, सेम आपको सस्पेंशन यहाँ पे सेम दिखने को मिलता है। फ्रंट में आपको 320 mm का डिस्क एंड रियर में आपको 230 mm का डिस्क ऑफर की जाती है। फ्रंट में आपको 4-piston कैलिपर एंड रियर में आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ ये ब्रेकिंग आता है, डुअल डिस्क एंड डुअल चैन ABS के साथ आता है, तो ब्रेकिंग के मामले में काफ़ी बढ़िया है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है, ये बाइक देखिए कम्फर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, तो यहाँ पे WP Apex का USD सस्पेंशन जो 43 mm ट्रेवल टाइम के साथ आता है। और रेयर में जो सस्पेंशन है सेम एज ड्यूक 250 उसका ही सेम सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, और ये भी WP Apex का मोनोशॉक आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है। और अगर इंजन की बात करें तो वीट पिलियन में आपको 249 cc की लिक्विड कूल इंजन ऑफर की जाती है, जहाँ पे 31 bhp का पावर एंड 24 Nm टॉर्क मिल जाती है, जो सेम टू सेम ड्यूक 250 जैसा इंजन आपको यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे एग्जॉस्ट भी सेम है, यहाँ पे एक अंडर व्हीली एग्जॉस्ट आपको ऑफर की जाती है, जो काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी यूनिक लगता है इस बाइक में। तो जैसे वीट पिलियन हम लोग लुक के वजह से काफ़ी यूनिक एक आइडेंटिटी देते हैं, उसी हिसाब से लेफ्ट साइड से देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे वीट पिलियन का लोगो, यहाँ पे हस्क्वर्ना का लोगो अलग से आपको यहाँ पे दिख जाएगी, और लेफ्ट साइड से कुछ बाइक इस तरीके का लुक के साथ आता है। फ्रंट से कुछ बाइक का लुक
इस तरीके का है, जहाँ पे एक बढ़िया सी राउंड शेप का हेडलैम्प ऑफर की जाती है, और जैसे आपको बोला था लाइट सारे LEDs है, और राइट साइड से इस बाइक की लुक कुछ इस तरीके का है, काफ़ी नेकेड लुक के साथ ये बाइक आती है, और ब्लैक व्हाइट के साथ जो कम्बिनेशन है इस बाइक की काफ़ी यूनिक बनाती है इस बाइक में। और फाइनली राइडिंग पोजीशन से देखिए, इस बाइक का सीट काफ़ी यूनिक सीट है, यहाँ पे 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक और डुअल टोन कलर के साथ ये फ्यूल टैंक आता है, और यहाँ पे एक TFT डिस्प्ले और हैंडल बार काफ़ी वाइड एक हैंडल बार मिलता है। तो चलिए अभी इस बाइक में बैठते हैं और बैठने के बाद क्या फील होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए बाइक में बैठने से पहले आपको इस बाइक की एक एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं। तो चलिए अभी इस बाइक में बैठ के आपको बताते हैं। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो है 835 mm, जो इनिशियली आपको ज़्यादा लग सकता है, पर देखिए मैं बहुत ही कंफर्टेबली इसमें बैठ सकता हूँ, मेरा फीट पूरा ग्राउंड तक है। और बैठने के बाद जो आपको लगेगा, जैसे नॉर्मल बाइक्स में फ्यूल टैंक जो होता है काफ़ी वाइड होता है, तो इसमें फ्यूल टैंक का जो शेप है, आप ऐसे पैर रखोगे तो काफ़ी मतलब बाइक के साथ ये अटैच रहेगा, तो राइडिंग जो स्टाइल है थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा दूसरे बाइक से। और राइडिंग पोजीशन से देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रेट और वाइड काफ़ी वाइड एक हैंडल बार ऑफर की जाती है, और जो ग्रिप्स है काफ़ी प्रीमियम है, यहाँ पे रेट्रो लुक वाला लुकिंग ग्लास जो काफ़ी बढ़िया लगेगा। यहाँ पे जो पेट्रोल टैंक है, मतलब फ्यूल टैंक है, ये 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक है। वैसे स्ट्रीट राइड के लिए ये बाइक काफ़ी परफेक्ट एक मशीन हो जाती है। जैसे इस बाइक की वेट है 162 kg, उसी हिसाब से पावर एंड वेट का रेशियो काफ़ी बढ़िया है, और इसमें आपको 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो थोड़ा सा कम है इंडियन रोड के हिसाब से, फिर भी 145 mm ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी होता है नॉर्मल सिटी साइड में राइड करने के लिए। तो इस बाइक में जैसे 250 cc की इंजन दी गई है, तो आपके डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा होगा कि कितना माइलेज दे सकती है और टॉप स्पीड क्या जा सकती है। तो टॉप स्पीड की अगर बात करें तो 145 से 150 तक टॉप स्पीड आराम से इस बाइक से निकाल सकते हो। बाकी अगर माइलेज की बात करें तो 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर तक माइलेज आप इस बाइक से आराम से निकाल सकते हो। बाकी डेफिनेटली माइलेज जो है आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा, फिर भी 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर तक माइलेज आप इस बाइक से निकाल सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इस बाइक की लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस की। तो उससे पहले बता देते हैं, मैं हूँ अभी सिलीगुड़ी में, यहाँ पे सेवॉक KTM का जो शोरूम है, यहाँ पे KTMs और साथ ही साथ हस्क्वर्ना के सारे बाइक्स भी यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए मेरे पीछे एक स्पार्ट पिलियन भी रखा हुआ है और ये वीट पिलियन मेरे सामने है, तो दोनों बाइक दोनों कलर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप कोई भी KTM या हस्क्वर्ना के बाइक खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली शोरूम में आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए भी बात करते हैं वीट पिलियन 250 की ऑन रोड प्राइस की। तो ये बाइक अभी 257,337 rupees ऑन रोड प्राइस के साथ शोरूम में अवेलेबल है, और अगर ड्यूक 250 के साथ प्राइस कंपेरिजन करें तो ड्यूक 250 से 25,000 लेसर प्राइस में आपको वीट पिलियन 250 शोरूम में मिल जाती है। बाकी आपको वीट पिलियन 250 कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे नए कोई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सेफ राइड सेव लाइफ।